since 1951. कैसा सैलाब देखने को मिलना थिएटर्स में केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर, कैसी है फिल्म के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की साझेदारी, क्या संजय दत्त एक फिट चॉइस है रॉकी से लड़ने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्री शाह और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज यानी कि 14 अप्रैल 2022 ही वो दिन है जब हम 4 साल बाद कोलार पर राज करने की चाह रखने वाले रॉकी भाई और उनके साम्राज्य से रूबरू होंगे। दोस्तों, फिल्म का इंतजार पूरे भारत को कुछ यूं देखने को मिला कि हर थिएटर हाउसफुल देखने को मिलने वाला है। ये हम नहीं, बुक माई शो वाले का कहना है। पीवीआर में भी कल बस रॉकी ही रॉकी होगा। सब जानना चाहते हैं कि क्या है एल्डोराडो का कंक्लूजन और क्या रॉकी खून से लथ पर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचा और क्यों इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद एक अकेला रॉकी प्रधानमंत्री रामिका सेन से मिलने पहुँच गया, क्या मकसद है उसका। दोस्तों, उसका जवाब तो आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप एक ट्रू केजीएफ फैन हैं तो आप जरूर इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए होंगे और आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी जान चुके होंगे। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर में हमें प्रकाश राज भी नजर आए हैं, जो विजेंद्र इंगालगी के तौर पर हमारे सामने नजर आए। अब इंगालगी नाम सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। जी हाँ, अनंत इंगालगी जो फर्स्ट पार्ट में एक जर्नलिस्ट थे, वहीं इस पार्ट में हमें एक और इंगालगी मिलने वाला है जिसका अनंत से कोई तो कनेक्शन है। क्या फिल्म में वापस दिखाए जाएंगे और ये अनंत का छोटा भाई है जो फिल्म की कहानी आगे बढ़ाएगा, देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, हमारे कुछ साउथ इंडियन फैंस ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक अधीरा की पावर का पता नहीं होगा। अधीरा वो किरदार है जो रॉकी को 1-on-1 टक्कर देगा, जो गरुड़ा की मौत के बाद केजीएफ की हुकूमत के दावेदार है, लेकिन रॉकी उसकी राह का कांटा बना हुआ है और वो इस कांटे को जड़ से उखाड़ने वाला है और ये अधीरा पहले भी कर चुका है। जी हाँ, अधीरा यानी संजय दत्त अपने नेगेटिव रोल्स के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह आज आप केजीएफ की भीड़ में फिल्म देखने जा रहे हैं, 90s के दौर में संजय दत्त की फिल्म खलनायक के लिए भी ऐसी ही भीड़ देखी गई थी। तो अब समझ ही गए होंगे आप कि संजय को लेकर इतना हाइप क्यों बना हुआ है। उनका लुक और फील इतनी डार्क और इंटेंस है कि अब हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा है आप सबके रिव्यूज जानने का कि क्या डायरेक्टर प्रशांत नील एक बार फिर इस फिल्म की फ्रेंचाइजी के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।